गाजियाबाद में एक मंदिर के सेवादारों ने महामंडलेश्वर की हत्या की साजिश विफल कर दी। सेवादारों और महामंडलेश्वर का आरोप है कि एक विशेष समुदाय का युवक अपना नाम समीर शर्मा बताकर मंदिर में घुसा, जो सेवादारों ने युवक को संदिग्ध लगने पर पकड़ लिया। इसके साथ ही सेवादारों ने उसके कब्जे से पिस्टल, चाकू, ब्लेड कटर बरामद किए हैं। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आरोपी युवक को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने मामले में एटीएस और आईपी को भी सूचित कर दिया है। बताया जा रहा है युवक का नाम मोहम्मद है, लेकिन वह समीर शर्मा बताकर मंदिर में घुसा था। सेवादारों और महामंडलेश्वर का कहना है आरोपी आस मोहम्मद हत्या की साजिश रचने के लिए मकसद से यहां आया था। सेवादारों ने कहा कि आरोपी ने 1,00,000 रुपए में महामंडलेश्वर की सुपारी ली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जिहादी की योजना के तहत एक आस मोहम्मद नाम का जिहादी मेरी हत्या करने के इरादे से विदेशी रिवॉल्वर लेकर और साथ में चाकू, ब्लेड और कई सारे संदिग्ध उसके पास सामान लेकर के आया था। उसने आने से पहले धोखेपूर्वक आया, महात्माओं की वो लुंगी बांध के आया और उसने अपना नाम समीर बताया। उस युवक को पकड़ा गया है, वो महाराज जी की हत्या करने के इरादे से मंदिर में घुसा था। उसके पास में एक पिस्टल मिला है, वो हमने पुलिस को दे दिया और चाकू मिले हैं, एक ग्राइंडर मिला है, ब्लेड मिले हैं ताला वाला का ताला काटने के लिए। और उसके पास में कुछ उसने बताया है कि मुझे 1,00,000 रुपए देकर भेजा गया है। उसकी वीडियो हमारे पास सारी है। इकला मंदिर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध सामान के साथ, जिसमें उसके पास पिस्टल और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान है, वो यहाँ से मंदिर के सेवादारों ने पकड़ा है उसको। तो इस सूचना के प्राप्त होने के बाद तत्काल यहाँ पर PRV आई, थाना अध्यक्ष और स्वयं यहाँ पर विजिट किया है, तो जानकारी प्राप्त की गई। तो इसमें कुछ अन्य जानकारी हमें इसमें मिली है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है।